तो सबसे पहले आप यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला तो पूरे 4000 रुपए का मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया था, पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड को सबमिट किया था, तो इंस्टेंट मुझे पूरे 4000 रुपए का लोन का ऑफर यहाँ पे मिल चुका है। देखो यहाँ पे आपको जो लोन मिलेगा ना, स्टार्टिंग पे आपको 4 से लेकर 5000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिलेगी, पर जैसे जैसे आप इसके यहाँ पे रिपेमेंट करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपकी लिमिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। देखो अगर आप 4000 रुपए के लोन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, आपके बैंक खाते में आपको कितने आएंगे, कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी 80 रुपए की, आपको फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। क्रेडिट फीस आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे 360 रुपए की। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको फीस देनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको 900 रुपए इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 60 रुपए। टिकट फीस आपको यहाँ पे नहीं देनी। अब यहाँ पे लिखा आपको जो टोटल ब्याज लगे ना, तो 1400 रुपए का आपको टोटल ब्याज यहाँ पे लगेगा। आपको नीचे आना है, कैशबैक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बैंक खाते में आएंगे 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। नीचे आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आपको रिसीव हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको 1400 रुपए का कैशबैक ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा कैशबैक का ऑफर, 1400 रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। जो 1400 रुपए का आपका ब्याज लगा है वो यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। तो भाई ये कट होगा या नहीं होगा वो तो मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4000 रुपए के अगर आप लोन को अप्लाई करते हो कितने दिन का आपको समय मिलेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, पर इतना मैंने आपको बता दिया 4000 रुपए का यहाँ पे लोन है, 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे, 1400 रुपए का आपको ब्याज देना पड़ेगा। जितना जितना यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगी वो मैंने आपको रीड करके यहाँ पे बता दें। अब यहाँ पे आपको जो लोन अप्लाई करना है ना, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड और एक आपके पास पैन कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और इंस्टेंट आपको लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। देखो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको अपने लोन को अप्रूवल करवाना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग पे ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे 100% आपका भी इस एप्लीकेशन पे लोन यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपका सिविल पूरे तरीके से खराब है तो भी आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे ना अगर आपका सिविल 0 भी रहेगा ना तो भी आपको लिमिट मिल जाएगी। बस कंडीशन एक रहेगी, आपको जो ब्याज है वो आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मैंने पहले से मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर आप 1400 रुपए का ब्याज दे सकते तो आपको इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है। बाकी की डिटेल मैं आपको आगे चल के यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। लिमिट दिखा रहा है मुझे पूरे 4000 रुपए की। अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको 4 से लेकर 5000 रुपए का आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। अब कितने आपके बैंक खाते में आने वाले, कितनी आपको जीएसटी यहाँ पे देनी है, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेके सबसे पहले आपको नीचे आना है, आपको जो प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 80 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी, क्रेडिट फीस आपको देनी पड़ेगी 360 रुपए की, ऑथर फीस आपको देनी पड़ेगी 900 रुपए की, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 60 रुपए का, टिकट फीस आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देनी। इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। अब जो 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे 1400 रुपए का आपको ब्याज देना पड़ेगा। अब जैसे आपने 4000 रुपए के लोन को अप्लाई किया, जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको काफी सारे चार्ज देखने को मिलेंगे। 360 रुपए का एक चार्ज लगा, ऑथर फीस आपको 900 रुपए लगी है, इंटरेस्ट आपको 60 रुपए लगा। अब आपके बैंक खाते में आएंगे 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आ जाएंगे। पर इस एप्लीकेशन का एक दावा यहाँ पे, या वो भी अच्छे से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आपको ये बोल रही है अगर आप 4000 रुपए का लोन अप्लाई करते हो ना तो आपको 1400 रुपए का कैशबैक ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से पहले देख लेना। यहाँ पे मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैशबैक आपको मिलेगा 1400 रुपए का। जितने भी आपको जो ब्याज, जितने भी आपको इंटरेस्ट लगे ना वो सारा वेव हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 1400 रुपए का रिटर्न मिलेगा। जैसे अब मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगा ना, जैसे मैंने 4000 रुपए के लोन को अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा है द हेल्डिंग द यहाँ तक 1400 रुपए रिटर्न, आपका जो 1400 रुपए वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैशबैक एंड द विज द इज द नेक्स्ट विड्रॉ। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 1400 रुपए का आपको जो ब्याज लगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो भाई देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन तो काफी कमाल किया। अभी आगे चल के इसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4000 रुपए के लोन को अगर आप अप्लाई करेंगे ना, आपको जो टाइम मिलेगा सिर्फ 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो भाई टाइम बहुत कम है, पर यहाँ पे एप्लीकेशन का दावा है अगर आप यहाँ पे 4000 रुपए के लोन को अप्लाई करते हैं, जो आपको ब्याज लग रहा है 1400 रुपए का, वो आपको कैशबैक के रूप में यहाँ पे वापस मिल जाएगा। अब कितनी सच्चाई है इसमें वो भी मैं आपको आगे चल के यहाँ पे बता दूंगा। देखो इस एप्लीकेशन पे अगर हमारे को लोन के लिए अप्लाई करना है तो कुछ
कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का सपोर्ट नंबर यहाँ पे क्या है, तो सारा मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया द कैशबैक अबाउट क्रेडिट इन द यूर। अब ये कह रहे हैं आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करोगे आपको 1400 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको क्लिक करना ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कंटिन्यू विड्रॉ का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना ये जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो भाई आपको पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको इसको बैक कर देना है, बैक करने के बाद आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो जब भी आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पे यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा अगर आप इसको रेफर करते हैं तो आपको 100 रुपए का कैशबैक ऑफर देखने को मिलेगा, 4000 रुपए का मेरा पे लोन है, 15 दिन का मुझे समय मिलेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो यहाँ पे जो विड्रॉ करते हैं ना तो 1400 रुपए आपके रिटर्न यहाँ पे आ जाएंगे। तो भाई अब यहाँ पे रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अगर मैं इस पर टच करता हूँ ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बैलेंस 1400 रुपए। अब जो 1400 रुपए का बैलेंस है इसको मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ ना तो पर अभी ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। कंपनी कह रही है आप पहले लोन लो उसके बाद हम आपको कैशबैक का ऑफर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अब देखो इस एप्लीकेशन का ना आपको कस्टमर केयर नंबर भी यहाँ पे मिल जाएगा, 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बात कर सकते हैं। आपको इनका ईमेल सपोर्ट भी मिल जाएगा, अगर आपको कोई बात करनी वो भी कर सकते हैं, और साथ में आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इनसे चैट भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो इतना पता चल गया। अब हम चेक करेंगे क्या एप्लीकेशन आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है और उसके बाद हम लोन भी यहाँ पे अप्लाई करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल पे आ जाना है। देखो जब मैं प्रोफाइल पे आऊंगा ना तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको 1400 रुपए का कैशबैक ऑफर मिलेगा, अगर आप इसको रेफर करते हो तो आपको 100 रुपए का बोनस यहाँ पे मिलेगा, इसको मुझे रिसीव करने के लिए लोन को लेना है। यहाँ पे लिखा रिसीव लोन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो ये लोन है वो मेरे बैंक खाते में मुझे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको लैंडिंग पार्टनर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लैंडिंग पार्टनर, इसका जो लैंडिंग पार्टनर कौन है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एनबीएफसी नेम वैशाली सेक्योर लिमिटेड, इसका यहाँ पे नाम है, आपको इनकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, वेबसाइट भी इनकी अवेलेबल है और साथ में आपको इनका एनबीएफसी का नाम भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 4000 से लेकर 50000 रुपये का आप लोन ले सकते हैं, अगर आप सैलरी पर्सन है तो भी लोन ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे नो पेपर वर्क की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे देना एक आधार कार्ड, एक आपको देना पैन कार्ड, आपकी एज 18 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। देखो आपको लोन जब भी अप्लाई करना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, बेवजह आपको लोन अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का जो टाइम है सिर्फ 15 दिन का टाइम है। अगर आप 15 दिन के अंदर रिपेमेंट कर सकते हैं तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इसके रिपेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा और आपको आगे चल के दिक्कत का सामना भी यहाँ पे करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको दोबारा से होम पेज पे आ जाना है। जब आप होम पेज पे आएंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको करना क्या है, इसको बैंक खाते में लेने के लिए आपको विड्रॉ वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको विड्रॉ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा नीचे कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको 3 इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो भी आप अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा आपको लोन एग्रीमेंट मिलेगा और लोन एग्रीमेंट का मतलब यह कि कंपनी आपको पहले से बता रही है लोन एग्रीमेंट। सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको सेक्शन लेटर का, थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा KFS का। अब आपको नीचे इनका पूरा एड्रेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और लोन एग्रीमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर आना है तो आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या KFS वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे भी क्लिक करेंगे ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर आना है, क्योंकि भाई काफी लोग यहाँ पे बाद में बोलेंगे कि भाई मुझे लोन सिर्फ 15 दिन का मिला है, इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। सारी जानकारी आप अच्छे से पहले रीड कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप 15 दिन की रिपेमेंट कर सकते हैं तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ 4000 रुपए का आपका लोन है, 60 रुपए का आपको जो इंटरेस्ट लगा वो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे 1340 रुपए का जो GST प्लस जो भी लगा रखा है वो लगा रखा है, यहाँ पे टैक्स देख सकते हैं 241 रुपए। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि भाई 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे, भाई कुछ भी छुपा नहीं रखा। देखो काफी एप्लीकेशन क्या करते हैं जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं बाद में पता चलता है कि कितने बैंक खाते में आएंगे, कितनी रिपेमेंट करनी है। अब यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा भी 2600 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे, 4000 रुपए की आपको रिपेमेंट यहाँ पे करनी है, इंटरेस्ट आपको लगा 33% के हिसाब की आपको ब्याज यहाँ पे लगा है। टाइम यहाँ पे भी इन्होंने लिख रखा है भाई साफ साफ सिर्फ 15 दिन का आपको समय मिलेगा, 15 दिन का आपको ज्यादा समय यहाँ पे नहीं मिलेगा। नीचे
आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि कितने आपका चार्ज लगेगा, कितना आपका वो लगेगा। इसको बैंक खाते में आपको लेने के लिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, लोन एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। लोन एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, सेक्शन लेटर भी आप चेक कर सकते हैं, सेक्शन लेटर में भी आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो सेक्शन लेटर में भी आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। इसको बैंक खाते में आपको लेने के लिए सिंपल सा आपको करना है, साइन इन पे क्लिक करना है, आपके जो आधार नंबर है उस पर ओटीपी आएगा और जो लोन है सीधा आपके बैंक खाते के अंदर आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो भाई मुझे अभी इस लोन की जरूरत नहीं है, अगर आपको इस लोन की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। एप्लीकेशन का नाम आपको वीडियो के बीच में यहाँ पे मिल जाएगा। काफी लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन को वीडियो को काट काट के देखेंगे और जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और जाके लोन के लिए अप्लाई कर देंगे और तुरंत उनका लोन जाके रिजेक्ट भी यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले से सारा कुछ क्लियर कर दिया। यहाँ पे आपको नीचे कूपन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 240 रुपए का कूपन का ऑप्शन मिलेगा और साथ में 120 रुपए का, तो यहाँ पे आपको कूपन कोड भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको लोन की बहुत ही ज्यादा नीड है या बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो आपको एप्लीकेशन की तरफ जाना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। अगर आपको इस एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मैं एप्लीकेशन का नाम भी आपको बता दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे तो वीडियो के अंदर ही आपको एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इस एप्लीकेशन के बारे में। अभी जो कैशबैक का ऑफर है वो कैशबैक का ऑफर यहाँ पे क्या, देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कैशबैक का ऑफर मुझे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्या करें, नाउ कंप्लीट विड्रॉ फोर है मैक्सिमम कैशबैक 1400 रुपये। अब देखो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि आपको 1400 रुपये का कैशबैक ऑफर यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है कि यहाँ पे हो सकता है अगर मैं लोन अप्लाई कर दूँ अगर मुझे कैशबैक ना मिले तो भाई मुझे 1400 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि आप अपने फ़ोन पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको भी यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर 500,000 रुपये का आपको लोन मिलता है तो आप लोन अप्लाई करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सब जगह मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको सब जगह दिखाने की कोशिश करता हूँ, इन्होंने सब जगह दिखा रखा है कि अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको 1400 रुपये का कैशबैक ऑफर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये ऑफर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी किसी प्रकार से कोई भी गारंटी यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप लोन अप्लाई करो और आपका जो 1400 रुपये वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल विड्रो फीस था 1400 रुपये, अगर आप लोन अप्लाई करते हो रिटर्न आ जाएंगे 1400 रुपये। तो भाई मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, अगर आपके 1400 रिटर्न आएंगे वो भी आपके, नहीं आएंगे वो भी आपके हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो आप इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, पर इस एप्लीकेशन का जो टाइम है सिर्फ 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा। मैं आपको इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कहूँगा। देखो काफ़ी लोग क्या करते हैं, अभी 15 दिन की रिपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, सिविल स्कोर खराब हो जाएगा रिपेमेंट नहीं करते, उनको फ़ोन कॉल्स का काफ़ी सामना भी यहाँ पे करना पड़ता है। अगर आप रिपेमेंट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा नीड है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो आपको इस एप्लीकेशन की तरफ जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।